हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू द चैनल डिजिटल SDHR में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मी 11 लाइट यानी 5G स्मार्टफोन के कैमरा सेक्शन में आपको यहाँ पर क्लोन मोड वाला एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लोन मोड। तो क्लोन मोड क्या होता है, कैसे उसका यूज करना है, उसमें बहुत सारे इफेक्ट होता है, कैसे उन इफेक्ट का यूज करना है, यही सारी चीजें आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में साथ शुरू से अंत तक बना रहिए। वीडियो पसंद आना वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सको। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हो डिजिटल SDHR। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुके हैं अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर। तो बात करते हैं कैमरा सेक्शन की, तो कैमरा सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आता है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में एक मोर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर सबसे ऊपर आपको क्लोन वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लोन वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर तीन अलग अलग जो फोटोज़ दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं जहाँ से आप सिंपली फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, फ्रीज फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। तो जो फर्स्ट वाला होता है, इसमें आपको क्या करना है कि सिंपली एक ही लोकेशन पे आप तीन फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, यानी कि एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे फ्रेंड की हेल्प ले रहा हूँ, तो इसके फ़ोटो क्लिक करके आपको बताऊँगा। तो सिंपली आपको अपने कैमरे को स्टेबल पकड़ के रखना है अपने मोबाइल को, उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रेंड को बोल दीजिए कि एक पोजीशन ले ले। तो यहाँ पर हम चार फोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो हर्ष पोजीशन ले ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करके आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर फर्स्ट फ़ोटो को क्लिक कर देना है। मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर दिया है। अब मेरे फ्रेंड को बोलूँगा कि अगली पोजीशन ले ले, ठीक है। अब अगली पोजीशन, तो मैंने यहाँ पर सेकंड फ़ोटो भी क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड की थर्ड फ़ोटो क्लिक करूँगा, अगली पोजीशन। अब मैं अपने फ्रेंड की चौथी फ़ोटो क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपने फ्रेंड की चार पिक क्लिक कर दी है एक ही लोकेशन पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख ही सकते हो, तो इस अभी से आपको डायरेक्टली यहाँ पर राइट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये सिंपली जो फ़ोटो होती है वो आपकी गैलरी में आ जाती है। इसे आप जूम करके भी देख सकते हो, जो कि फ़ोटो है वो बिल्कुल रियल आती है, क्लियरिटी में आती है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप चार ले रहे फ़ोटो तो उससे क्लियरिटी डाउन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ोटो जो होती है वही रियल आती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अगला मोड जो होता है वीडियो के लिए। तो वीडियो में भी आपको सिंपली ऐसे ही करना है कि वीडियो में आप क्या कर सकते हो कि दो लोगों की वीडियो बना सकते हो, यानी कि एक व्यक्ति की दो वीडियो, वो भी एक ही लोकेशन पे। तो मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ यहाँ पर कुछ मूवमेंट करने के लिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अभी राइट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। अब ठीक है, आपको कैमरे को स्टेबल पकड़ना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि कुछ मूवमेंट करें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, हर्ष मूवमेंट। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से इसे रोक देना है, ठीक है। रोकने के बाद भी आपको अपने कैमरे को हिलाना नहीं है, बिल्कुल स्टेबल पकड़ के रखना है और फिर से स्टार्ट करना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि कुछ मूवमेंट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे स्टार्ट कर देता हूँ, हर्ष को बोलता हूँ कि कुछ मूवमेंट करे, हर्ष मूवमेंट कर। तो मैंने यहाँ पर हर्ष की वीडियो बनाई है, तो दो अलग अलग मूवमेंट में यहाँ पर वीडियो बन चुकी है हमारी, जो कि लोकेशन आप देख ही सकते हो कि एक ही लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग मूवमेंट है जो हर्ष है वो कर रहा है। तो इस टाइप से आप अपनी वीडियो को बना सकते हो एक ही लोकेशन पे दो अलग अलग मूवमेंट के साथ। तो सिंपल इसे भी यहाँ से हम इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये वीडियो भी आपकी सिंपल से गैलरी में आ जाएगी, जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले मोड की तरफ। तो यहाँ पर अगला जो मोड होता है फ्रीज फ्रेम। तो फ्रीज फ्रेम में क्या होगा कि आप अपनी मतलब जैसा कि आप इसमें एक जैसा टीज़र दे रखा है उसे आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर और समझ सकते हो कि क्या बताना चाहता है वो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वॉक करना है या फिर ऐसे घूमते फिरते वीडियो रिकॉर्ड करना है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि थर्ड वाले ऑप्शन फ्रीज फ्रेम में होता क्या है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड हर्ष को बोलता हूँ कि सिंपल से, ठीक है, एक वॉक करने के लिए बोलता हूँ कि यहाँ से आपको वहाँ जाना है, वहाँ से फिर इधर आना है, ठीक है, ऐसा बोल देता हूँ सिंपल से। तो सिंपल से आपको अपने कैमरे को यहाँ पर स्टेबल पकड़ के रखना है मोबाइल को और इसे ऑन कर देना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड को बोल देता हूँ वॉक के लिए, तो मैं इसे सिंपल से यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो को सेव कर लिया है, तो सिंपल से आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर आ चुकी है और आप उसे स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि किस टाइप से वीडियो बनी है। आप चाहे तो ये जो यहाँ पर मूवमेंट जो होते हैं आप उन्हें एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये वाला थोड़ा पीछे हो जाए या फिर ये थोड़ा सा आगे हो जाए, तो आप यहाँ से इसे अपनी फिंगर से स्क्रीन पर टच करके आप इसे कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसे सेट कर लीजिए और यहाँ पर सिंपली ठीक है सेव कर लीजिए। तो सेव करोगे तो जो भी आपने मूवमेंट वहाँ पर कैप्चर किया है वो यहाँ पर वीडियो के थ्रू शो हो जाएगा। तो जो वीडियो बनी है आप उसे सिंपल से यहाँ पर राइट के टिक पर क्लिक करके सेव कर सकते हो, तो वो जो वीडियो होगी वो आपकी गैलरी में चली जाएगी। तो इसमें आप बहुत सारे ट्रिक यूज़ कर सकते हो, कुछ यूनिक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो और वीडियो बना सकते हो। तो फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, तीनों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।